प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सनलाइट का उपयोग करते हैं, यानी सूरज के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तथा इनकी जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करता है। इस प्रकार से पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। चौथी जो आवश्यक चीज है वह है क्लोरोफिल, जो कि पौधों के हरे भागों में खास करके पत्तियों में उपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान दो चीजें बनती हैं, एक है ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी को पौधे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, और यदि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बन जाता है तो उसको स्टार्च के रूप में, यानी ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में परिवर्तित करके अपने विभिन्न भागों में स्टोर कर लेते हैं। साथ ही ऑक्सीजन गैस भी बनती है जिसको पौधे वायुमंडल में मिश्रित कर देते हैं, और यह ऑक्सीजन जंतुओं के लिए प्राण वायु की कार्य करती है, यानी पौधे श्वसन क्रिया में तथा जंतु और पौधे दोनों श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बिना ऑक्सीजन के जंतु एक पल भी नहीं रह सकता, अर्थात ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनती है जंतुओं के लिए बहुत ही उपयोगी वायु। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में दो चरणों में संपादित होती है। पहला चरण है जिसको हम प्रकाशीय अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कहते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया या अंग्रेजी में इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया नहीं हो सकती है। इस अभिक्रिया में दो प्रक्रम होते हैं, पहला है एटीपी का निर्माण और दूसरा है एनएडीपीएच2 का निर्माण। यानी ये दोनों चीजें जो प्रकाशीय अभिक्रिया में बनती हैं, इनका उपयोग अगले चरण जिसको अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं उसमें होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया के पहले चरण में एटीपी का निर्माण होता है। इसमें क्लोरोफिल सूरज की ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के धातु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके अपने उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन यह उत्तेजित अवस्था इनका अस्थायी होता है। कुछ ही समय बाद यह अपनी ऊर्जा एडीपी को दे देते हैं और एडीपी एटीपी में परिवर्तित हो जाता है तथा ये उत्तेजित क्लोरोफिल वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार पहले चरण में एटीपी का निर्माण होता है, दूसरे चरण में जल का प्रकाश अपघटन और एनएडीपीएच2 का निर्माण होता है। इस क्रिया में सूरज के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल का अपघटन कराया जाता है। जल 2H+ और 2OH- में टूट जाता है। यह 2H+ NADP के साथ मिलकर NADPH2 बना लेता है। NADP का पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और यह इसके अपचयन की क्रिया होती है और यह हाइड्रोजन लेकर के NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है। संश्लेषण की दूसरी या दूसरा चरण है अप्रकाशीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम अप्रकाशीय इसलिए रखा गया है क्योंकि इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि यह प्रक्रिया अंधेरे में होती है। यह उजाले में भी हो सकती है और अंधेरे में भी हो सकती है।
इसके लिए प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश जिन चीजों के लिए आवश्यक था वो अभिक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया में हो चुकी, वहां पर एटीपी का निर्माण हो चुका है और NADPH2 का निर्माण हो गया है, उन दोनों पदार्थों की आवश्यकता यहां पर है, यानी वो दोनों अणु यहां पर आएंगे, अपना काम करेंगे और फिर वापस अपने मूल रूप में बदल जाएंगे। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, जबकि प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जिसको कि पौधे वायुमंडल से लेते हैं, और इसको वायुमंडल से पौधे के अंदर आने के लिए पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्ट्रोमेटा कहते हैं। स्ट्रोमेटा या रंध्र, उन्हीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पहुंचता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होना होता है। अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है, क्योंकि ग्लूकोज में आप देखें, ग्लूकोज में क्या होता है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इसको सिर्फ हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यह हाइड्रोजन इसको NADPH2 से मिल जाता है। इसको जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा एटीपी से इसको मिलता है। इस प्रकार से ये तीनों मिल करके स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये यहां पर देखने में आसान लगता है, लेकिन ये एक चक्रीय अभिक्रिया है, जिसको केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जटिल प्रक्रिया है, जिसका अध्ययन आप आगे यानी उच्च कक्षाओं में करेंगे, यहां पर आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है। तो इस प्रकार से आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 और ATP ये अपना हाइड्रोजन देता है, ATP अपनी ऊर्जा देता है, और इस प्रकार ग्लूकोज का निर्माण होता है, और NADPH2 अपना हाइड्रोजन दे करके अपनी मूल अवस्था में बदल जाता है, जबकि ATP ADP में बदल जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और पौधे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगर आवश्यकता से अधिक होता है तो ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में परिवर्तित कर ये अपने विभिन्न भागों में, जैसे जड़ों में, तलों में, या फिर पत्तियों में, फलों में स्टोर कर लेते हैं, जो दूसरे जीवधारी इसका उपयोग करते हैं। बच्चों, इस प्रकार आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होते हैं, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या क्या बनता है, ये आपने पढ़ा। फिर भी अगर किसी प्रकार का संदेह हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।